सूफी संत के दर पर हाजिरी देने के बाद होटल में ठहरे एक जायरीन परिवार ने शराब का सेवन क्या किया। नशे की झोंक में कथित मियां बीवी इस कदर झगड़े की पूरी होटल खूनम खान हो गई। अफरा तफरी के माहौल के बीच लहूलुहान घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जेएलएन अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी देते हुए जायरीन परिवार के रवि चौहान ने बताया कि वे लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली से ख्वाजा बाबा के दर पर हाजिरी देने आए थे। जियारत के बाद होटल सम्राट में ठहरे थे, जहां सभी परिवार वालों ने शराब पी। इस बीच कथित पति पत्नी दीपक कुमार और तिरजा के बीच नशे में विवाद हो गया और विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। उठती भागती गई हमारे पास, ताऊजी का पैर, ताऊजी का पैर पकड़ा, लड़ाई हुई। ताऊजी मेरे कंधे बाज रखा, क्या हो गया, क्या बोल रहे बच्चा? ताऊ समझे थे बुढ़ा आदमी ने, क्या कह रहा बच्चा? देखता हूँ जाके, देखा जाके सही में बहुत तड़ला लड़ाई हो रही थी, सही आफेदारी बहुत भीड़ी भीड़ी थी। दीपक मर और मीनू में मियाँ बीवी बने पड़े जी, मियाँ बीवी नहीं है ये। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये नहीं कह सकता मैं। किस चीज से झगड़ा हुआ? ये नहीं पता मेरे को। किस चीज से मारा, किसने मारा, किसको? ये सच में नहीं पता, मैं तो बाहर खड़ा था। अलवरगढ़ थाना अंतर्गत जवाहर चौक जादूगर स्थित एक सूने मकान से अज्ञात चोर नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक की पत्नी निर्मला ने बताया कि 3 दिन पहले पूरे परिवार के साथ हरिद्वार गए थे। शनिवार रात जब घर लौटे तो कमरे के ताले टूटे मिले और वहां रखे पर्स और गुल्लक से करीब 15,000 रुपए की नकदी गायब मिली। अलवरगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रात को आई मैं अपने 12:30 बजे करीब, देखा तो पूरा घर में मेरे ताला टूटा पड़ा था और क्या नाम है, बैग में से 10,000 निकले हुए, पूरे गुल्लक मेरे 4-5,000 रुपए का भरा हुआ था, वो निकल गया टूटा हुआ पूरा, और सीडी वीडी में सब पे बिखरे हुए गुल्लक का। मैं हरिद्वार गई थी अपने पियर वालों के साथ में। भाई इधर से आए होंगे, कहीं ना कहीं से तो आई है, पावर मना करते हैं पड़ोसी वालों को, वो भी चढ़ जाते हैं हमारी छतों पे, कोई मानता नहीं है। मैं रात को गई थी, वो आए थे, उन्होंने बोला आप सुबह 9 बजे आना, अपने अलवरगेट थाने पे गई थी मैं, दो पुलिस वाले आए थे, वो देख के गए तो बोला सुबह 9 बजे आ जाना, जिनके भी आपको किसी के भी वो है पड़ोसी, उनके खिलाफ आप कंप्लेंट लिखवा देना, हम कर लेंगे।